आज मिर्जापुर जनपद के लालगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन शिक्षा सदन स्कूल में R9 भारत न्यूज चैनल की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक अध्यापिका से मुलाकात करके स्कूल की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली और इस मुलाकात में प्रिंसिपल सर ने बताया कि स्कूल सुचारू ढंग से चल रहा है, बच्चे टाइम से आ जाते हैं, समय से बन जाता है। सबसे बड़ी बात कि प्रिंसिपल अपने निजी खर्च पर स्कूल का सुंदरीकरण करा रहे हैं। वहीं स्कूल की अध्यापिका उषा जी ने और श्रुति पांडे जी बताया कि स्कूल सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। नमस्कार, मेरे साथ जनता जनार्दन शिक्षा निकेतन की अध्यापिका मौजूद हैं। हम मैडम से जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल का जो शेड्यूल है, जो दिनचर्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि बच्चे कितने बजे आते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, एग्जाम कब से शुरू हो रहा है और इनके पढ़ाने का क्या सिस्टम है। मैडम आपका नाम? हमारे बच्चे स्कूल 9:30 तक है। हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई भी अच्छे ढंग से करते हैं। हम लोग कार्य करता है उनके माध्यम भोजन टाइम से मिल जाता है। माध्यम भोजन टाइम से मिल जाता है, बच्चे भी टाइम से आते हैं। वैसे टाइमिंग का पता तो इसी से चल रहा, क्योंकि आज रैली है और उसके बावजूद भी शिक्षक और छात्र दोनों बने हुए हैं स्कूल में। जी मैडम, आप एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? एग्जाम तो हमारा क्या लास्ट मार्च से अभी निर्धारित नहीं हुआ है, चुनाव के बाद होगा। और प्रिंसिपल सर के कार्यों से आप संतुष्ट रहते हैं? आप टाइमली स्कूल चला रहे हैं? चलिए। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह R9 भारत से मौजूद हूँ आज लालगंज के एक जूनियर हाई स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं RT सिंह, इस स्कूल के प्रिंसिपल। हम उनसे मुखावित होकर जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूदा जो विधायक जी हैं या सरकार के माध्यम से स्कूल को क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है और स्कूल में कितने छात्र हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं शासन के द्वारा माध्यान्ह भोजन का एक जो सिस्टम फैलाया गया है स्कूलों में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें उनको क्या लाभ मिल रहा है। हर दिन का जो एक प्रतिदिन का एक मेन्यू होता है, मेन्यू के हिसाब से क्या गवर्नमेंट यहाँ पर उपलब्ध करा पा रही है सारे चीजों को, हम जानने की कोशिश करेंगे RT सिंह जी से। आइए, हम मुखातिब कराते हैं आपको RT सिंह जी से। जी सर, आपका नाम? नमस्कार सर, मैं RT सिंह, इस विद्यालय का प्रधानाचार्य। सर, आपका जो विद्यालय है उसका एक जो परिक्षेत्र है काफी अच्छा है, खेलकूद की के लिए काफी अच्छी जगह है यहाँ पर, जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी के हेलीकॉप्टर के लिए इतना बड़ा फील्ड आपने दिया हुआ है स्कूल का। तो खेलकूद क्या ऐसा कभी होता है, इसके बारे में बताएं, प्रशासन की तरफ से इस तरीके का कोई प्रोत्साहन मिलता है? जी सर, अभी अभी इस विद्यालय में ब्लॉक स्तर की रैली हो चुकी है जो है, फिलहाल शासन की तरफ से तो हमको कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक रैली कराया अच्छे से, पूरे ब्लॉक के सभी विद्यालयों में भाग लिया। सर, माध्यान्ह भोजन में सर क्या डेली का जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है? जी सर। आज क्या बना? आज जो है तहरी और दूध। लगभग सर कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 120 बच्चे। 120 मध्यान्ह के? अच्छा, मध्यान्ह के लिए। मध्यान्ह किन किस कौन से क्लास के बच्चों को दिया जाता है? 6-7-8 के लिए। 6-7-8 के लिए। और इंटर तक चलता है आपका? जी। टोटल कितने बच्चे? कुल हमारे विद्यालय में हाई स्कूल जूनियर में 120 बच्चे हैं, हाई स्कूल और इंटर में 229 बच्चे हैं। ओवरऑल पूरे स्कूल के कितने बच्चे हैं? विद्यालय के हो गए 350। तो अभी जैसा कि मैं बाहर था, मुझे लोगों ने बताया कि एक समय था यहाँ पर 10-15 बच्चे थे, क्या यह सच है? हाँ, एक जो है हमारे पहले विद्यालय एकदम ध्वस्त हो चुका था। हमने इस विद्यालय में प्रिंसिपल बनने के बाद पूरी बाउंड्री भी ठीक से पूरा देख लीजिए, पूरा जो पोताई रंगाई।
तो अभी जैसा कि मैं बाहर था, मुझे लोगों ने बताया कि एक समय था यहाँ पर 10-15 बच्चे थे, क्या यह शिक्षा था? हाँ, एक जो है हमारे पहले विद्यालय एकदम ध्वस्त हो चुका था। हमने इस विद्यालय में प्रिंसिपल बनने के बाद पूरी बाउंड्री भी ठीक से पूरा देख लीजिए, पूरा जो पोताई रंगाई बल्कि सामने करवाई भी पीछे का बाकी है, क्योंकि विद्यालय बड़ा जीर्ण तीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। इतना इस विद्यालय के पास धन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ शासन से कोई सहयोग तो मिलता नहीं। विद्यालय का जो निजी स्रोत है उसी निजी स्रोत से हम लोग काम करते हैं। विद्यालय के पास इतना निजी स्रोत नहीं है कि पूरी मरम्मत हो सके। सामने का हमने कंप्लीट करा दिया है, धीरे धीरे इस बार हमने बोर्ड की सेंटर भी लिया है, परीक्षा भी कराएंगे। अच्छा सेंटर है हमारे विद्यालय में। हम लोग जो है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है CCTV कैमरा वॉइस रिकॉर्डर एकदम कम्प्लीट जो है ढंग से तैयार हो, उसके लिए हम मिस्त्री लगाए हैं, काम चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि निजी खर्च से, निजी पैसे से किसी स्कूल का सुंदरीकरण और यूनिवर्सिटीकरण कराना। जैसा कि आपने बताया, शुरुआत आपने की थी जब तो 15 बच्चे थे, उसके बाद 350 बच्चे, ये भी बहुत बड़ी बात अपने आप में एक उपलब्धि है। आगे प्रशासन से आप ऐसा कोई मांग करना चाहेंगे कि स्कूल को और स्कूल के बच्चों को और इस संस्था को एक अच्छी बुलंदी पर लेके जाना चाहें? जी सर, जो है जैसे अनुप्रिया जी द्वारा यहाँ इस विद्यालय में पानी के लिए सौर ऊर्जा वाला प्लांट लगा था, और जब से हमने चार्ज ग्रहण किया है तब से वो बिगड़ा पड़ा है। अब एक दो चापा कल है कि जब बच्चे किसी प्रकार से पानी पीते हैं, आज ही देख लीजिए उनके कार्यक्रम के लिए टैंकर से पानी आ रहा है। यदि वो सौर ऊर्जा ठीक होता तो उनको पानी की कोई जो है दिक्कत ना होती। जैसा कि आपने सुना, आर्टिसन जी को अपने निजी खर्चे से इन्होंने स्कूल का सुंदरीकरण कराया है, पानी से लेकर के पौधारोपण जो भी चीजें हुई हैं, बाउंड्री है, बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह है। सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप बात करें तो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने CCTV के कैमरा लगवा रखा है पूरे विद्यालय में, ग्राउंड से लेकर के रूम तक हर जगह, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ऑफिस में भी इन्होंने कैमरा लगवा रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है इसको। और आरटी सिंह जी ने गुहार भी लगाई है, प्रशासन स्तर से जो भी सुविधाएं मिल सके उसे उपलब्ध कराए ताकि बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाया जाए और स्कूल का एक जो उदारीकरण है उसको और बढ़िया किया जाए, छात्रों का जीवन और अच्छा बनाया जाए। प्रकाश सिंह मिर्जापुर से R9 भारत के लिए। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, R9 भारत।